दिसंबर 2019 एक ऐसा सिनेरियो डेवलप हुआ इंटरनेशनली जिसमें कोविड ने सारे बिजनेसेस को डिसरप्ट किया और फौरी उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं था। फौरी एक स्टार्टअप आइडिया है जो 2017 में सऊदीया से स्टार्ट हुआ। हम तीन दोस्त वहाँ पर जॉब कर रहे थे और हमने एक प्लान किया कि पाकिस्तान जाके हम अपनी कंपनी को एक डिलीवरी मॉडल को पाकिस्तान में लॉन्च करें। इवेंचुअली जब हम पाकिस्तान आए तो हमने सबसे पहले प्रोडक्ट डेवलपमेंट के ऊपर काम किया, अपना आईटी सॉल्यूशन डेवलप किया और उस सॉल्यूशन के बाद हमने इसकी प्रोडक्ट मार्केट के ऊपर काम किया, जिसमें हमने इनिशियली रेस्टोरेंट्स को पिक किया, हम रेस्टोरेंट्स की डिलीवरी कर रहे थे और आज हमारे मॉडल में अल्हम्दुलिल्लाह 1.5 साल बाद हमारे पास ग्रॉसरीज हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं जो हम सप्लाई करते हैं, गार्डनिंग की सर्विसेज हम इस्लामाबाद में दे रहे हैं। अगर आप प्लांट्स और फ्लावर्स ऑर्डर करें तो विद इन द नेक्स्ट डे आपको उसकी डिलीवरी मिलती है। बेकरीज, कॉफ़ी शॉप्स, फ्लावर शॉप्स, ये वो सारे एलिमेंट्स हैं जो डेली एसेंशियल नीड्स हैं लोगों की, जहाँ और इनकी इन ज़रूरियात को पूरा करने के लिए फौरी ने एक बेड़ा उठाया, जिसकी हमें बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन भी मिली है लोगों की तरफ से, क्योंकि इससे पहले गवर्नमेंट रेट पे लोगों के डोर स्टेप पर डिलीवरी एक नामुमकिन बात थी। फौरी का स्टार्टअप जैन एक्सपीरियंस, इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। हमने स्टार्टअप जैन के बूट कैंप में जब पार्टिसिपेट किया तो इंटरनेशनल और नेशनल मेंटर्स ने हमें कोच किया, हमें गाइड किया कि हम कैसे अपने स्टार्टअप को प्रेजेंट करें, अपने आइडिया को लोगों के सामने प्रेजेंट कैसे करना है, इन्वेस्टर्स के सामने कैसे प्रेजेंट करना है और मोर इम्पॉर्टेंटली अपने ऑपरेशंस को, अपनी टीम को बिल्ड कैसे करना है। तो बूट कैंप के अंदर जो टीम वर्क था दैट गेव अस अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। दिसंबर 2019 एक ऐसा सिनेरियो डेवलप हुआ इंटरनेशनली जिसमें कोविड ने सारे बिजनेसेस को डिसरप्ट किया और फौरी उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं था। हमारा बिजनेस मॉडल में एक डीप स्लंप आया और उसी पीरियड में हमने अपने बिजनेस मॉडल को पिवट किया और हमने ग्रॉसरीज के ऊपर फोकस बढ़ाया, हमने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को प्रमोट किया और इस स्ट्रेटजी का जो इम्पेक्ट आया वो ये था कि हमारे बिजनेस मॉडल में जो स्लंप आया था वी रिकवर्ड इट इन द नेक्स्ट 2 मंथ्स। तो विद इन 2 मंथ्स हमारे रेवेन्यूज एक्सीडेड द प्रीवियस बेंचमार्क। कोविड चैलेंजेस के साथ साथ एज एन एंटरप्रेन्योर हमारा काम था इम्प्रोवाइज करना, हमने उसके ऊपर स्मार्ट सॉल्यूशंस के ऊपर काम किया कि हम अपनी प्रोक्योरमेंट से लेके यहाँ पे ग्रेडिंग, पैकिंग, वॉशिंग और मोर इम्पॉर्टेंटली जो कस्टमर सर्विसेज में क्वालिटी का इम्पैक्ट था उसको कोविड के साथ साथ कैसे इन्हेंस करते जाएंगे। तो उसके लिए हमने मशीन्स की प्रोक्योरमेंट के ऊपर काम किया, अपने वेयर हाउस की ऑटोमेशन के ऊपर काम किया और हम आज एक ऐसे मॉडल के ऊपर काम कर रहे हैं जहाँ हम कॉन्टैक्ट लेस पैकेजिंग के ऊपर जा रहे हैं। फौरी का वो विजन जो आज से 3 साल पहले शुरू हुआ था, जिसमें हम एक सिंगल सॉल्यूशन के ऊपर बात करते थे कि हम चाहते हैं कि एक सिंगल ऐप के थ्रू लोगों की एसेंशियल कमोडिटीज़ उनके घर के ऊपर डिलीवर हों, तो ये उसकी तरफ एक बढ़ता हुआ एक और कदम है।